वेलकम टू अ चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ साथ के बेस के अपडेट लेके आता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने डिमांड करा था कि सर क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करा दीजिए, क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करा दीजिए, जो केवीएस टीजीटी, यूपी टीजीटी, एनवीएस टीजीटी साइंस से भर रहा है, उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ केवीएस पीआरटी वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है ना? आप में से बहुतों को ये आंसर इंटरनेट पे मिल जाएंगे और हो सकता है कहीं से भी मिल जाएंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि हर आंसर को इतने अच्छे से समझाया जाए कि अगर आप एक बार देख लेंगे तो आप ये भूल नहीं पाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? चलो, तो पहले तो कुछ थ्योरी क्वेश्चन है, तो थ्योरी क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, मतलब करेंगे सारे, हम नीचे से स्टार्ट करते हैं क्योंकि मेरे को न्यूमेरिकल ज्यादा पसंद है, क्योंकि उसी में आप लोग ज्यादा अटकते हो। ठीक है ना? चलो, क्वेश्चन नंबर 19 जो है ना, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके लिए क्या डाटा चाहिए मैं बता देता हूं। मैंने आपको बताया था जेड होता है एटॉमिक नंबर, ए होता है एटॉमिक मास, और हमने कहा था जेड इक्वल टू ई इक्वल टू पी, यानी कि एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के इक्वल होता है, और एटॉमिक मास न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के इक्वल होता है, एंड एटॉमिक मास इज ऑलवेज इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला विच आई नीडेड फॉर सॉल्विंग दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ओके, नाउ सी व्हाट वी हैव टू डू। एटॉमिक नंबर कितना है? 9। एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के इक्वल होगा, तो इलेक्ट्रॉन भी 9 और प्रोटॉन भी 9। क्लियर है बात? चलो, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अब न्यूट्रॉन कितना है? 10, प्रोटॉन कितना है? 9। तो एटॉमिक मास कितना आ गया? 19। तो अब आपको एटॉमिक नंबर 9 वाला एलिमेंट लिखना है यहां पे, तो वो क्या होता है? फ्लोरीन। मैंने आपको पहले ही कहा एटॉमिक नंबर 1 से लेके 20 तक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सो ऑन, ये सीक्वेंस चल रहा है। इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ऐसे करते करते आपको 20 तक सारे एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट याद करने। क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत ही कारगर फॉर्मूला है, ठीक है ना? एटॉमिक नंबर 16, तो इलेक्ट्रॉन भी 16, प्रोटॉन भी 16। अब एटॉमिक मास दे रखा है, तो एटॉमिक मास की जगह 32, और प्रोटॉन दे रखा है 16, न्यूट्रॉन नहीं दिया, तो 16 उधर जाएगा। 32 - 16 इक्वल टू न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन इक्वल टू 16, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा? 16। बस इन दो फॉर्मुलों का खेल है और जादू चलाना है, ठीक है ना? इधर आ जाओ, यहां प्रोटॉन कितने? 12। और हमने कहा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक मास सब इक्वल होगा, तो इलेक्ट्रॉन भी 12 और एटॉमिक मास भी 12। क्लियर है? अब इसके बाद आता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो यहीं से देख लो, यहां से चाहो तो फॉर्मूला बना सकते हो। ए का फॉर्मूला एन प्लस पी है, तो यहां से न्यूट्रॉन का फॉर्मूला हो जाएगा ए माइनस पी, दैट मीन्स एटॉमिक मास में से प्रोटॉन माइनस करना है, और आपको पता है प्रोटॉन ही एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, तो न्यूट्रॉन का डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते हो ए माइनस जेड। इन शॉर्ट, ए है 12, जेड है 24, तो आंसर आ गया 12। एटॉमिक नंबर 12 वाला कौन सा होता है? आपको ये पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर 12 वाला कौन होता है? मैग्नीशियम, ठीक है ना? अब इसके बाद आता है, अब देखो प्रोटॉन एक है तो इलेक्ट्रॉन भी एक होगा, एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर भी एक ही होगा। इसके बाद अब फिर न्यूट्रॉन बताना है, न्यूट्रॉन वही ए माइनस जेड 2 - 1, क्योंकि इसे कहते हैं ए, इसे कहते हैं जेड, 2 - 1 दैट इज 1। एक वाला कौन होता है? हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर उसका 2 है, आपको पता है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्राइटियम, है ना, HDT, तो इस वाले की बात हो रही है, ठीक है ना? तो अब इधर आ जाओ, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 1। मास नंबर कितना है? 1, तो ये 1H1 की बात हो रही है, 1H1 की बात हो रही है, ठीक है ना? तो ये आपका क्या हो गया? एटॉमिक नंबर भी कितना हो जाएगा? 1, ठीक है? चलो, आई होप आपको ये क्लियर है। इसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉन्फिगरेशन ऑफ सोडियम। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर और सिंबल आपको पता होना चाहिए 11। तो भरते कैसे हैं? मैंने कहा था 2, 8, 8, 8 ऐसे करके भरते हैं, तो अब आपको 11 भरना है। 11 में से पहले में कितने डालोगे? 2। 11 में से 2 गया, कितना बचा? 9। अगले में कितने डालोगे? 8। 9 में से 8 गया, बचा कितना? 1। तो 2, 8, 1 हो क्या? सोडियम का। अब हम यही नहीं रुकेंगे, हम यही नहीं रुकेंगे, सीखने वाला बच्चा क्या करेगा, वो ये भी करेगा कि अगर बोलो सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, अगर बोले सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है तो आप कहोगे 1। अगर बोला जाए सोडियम की वैलेंसी कितनी है
तो आप बोलोगे प्लस वन। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? आपको इस लेवल तक चीजों को करना है कि आपको कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी बनाए, कितना टफ हो कितना इजी हो, आपका सिलेक्शन होके रहे। अब कह रहा है सीएल माइनस, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो भरोगे कैसे? 2, 8 और 7। यहां पे माइनस, माइनस का मतलब है माइनस वन। और मैंने क्या बताया था, माइनस कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। माइनस कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये हो जाएगा 2, 8, 8, 10। समझ आया? जब ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा देन इट विल बिकम 2, 8, 8, है ना। इसके बाद नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है कितने होंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते लास्ट। अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते लास्ट, तो क्लोरीन में तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है नो डाउट, लेकिन सीएल माइनस में को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8। क्यों? क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है। आइसोटोप्स के बारे में बता रखा है, ये मैं आपसे कमेंट में जानना चाहूंगा। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली मैंने एमसीक्यू में करा रखा है इस वाली सीरीज में, ठीक है ना। ओके ना, इसके बाद रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट स्कैटरिंग वाज रिस्पॉन्सिबल डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। आपको पता है रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट जो था अल्फा पार्टिकल वाला, वो न्यूक्लियस की खोज करता है और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, इसकी खोज करता है। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? इसके बाद ओके ये भी करेंगे, सारे थ्योरेटिकल कराऊंगा, आज मैं न्यूमेरिकल सेशन कराया था इसका। कंपोजिशन ऑफ, देखो प्रोटॉन न्यूट्रॉन दे रखा है, तो प्रोटॉन, प्रोटॉन किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के। तो एक्स का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 6। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन किसके इक्वल होता है? एटॉमिक मास 6 और 6 12। और वाई की बात करोगे 6 और 14। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? तो ये आपके पास दो कॉन्फ़िगरेशन आ गई, आप इससे बता सकते हो कि अब ये क्या है। आपको यहां दिख रहा है कि दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो इन्हें क्या नाम दे दिया? आइसोटोप्स। क्या नाम दे दिया? आइसोटोप्स। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। जेड इक्वल टू थ्री, व्हाट विल बी द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट? जेड इक्वल टू थ्री मतलब उसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो भरोगे कैसे? 2 और 1, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? प्लस वन। क्यों? क्योंकि इसके इस वाली ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। अब ये दो चीजें करेगा, या तो किसी से 7 इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इस पे प्लस वन आ जाएगा, और अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पे माइनस वन आ जाएगा। दैट्स वाई इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? प्लस वन। इसका नाम भी लिखना है। अभी देखो मैंने कहा ना, पढ़ाई एक बार करनी पड़ती है फिर वो हमेशा साथ रहती है। एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक नंबर 3। एटॉमिक नंबर 3 वाला कौन होता है? लिथियम, Li। एटॉमिक नंबर 3 वाला कौन है? लिथियम, दैट इज Li। क्लियर है बात? समझ आया? तो मैं यही समझाना चाह रहा हूं देववन से कि आप एक बार पूरा कंसेप्ट सीख लो, चाहे मुझसे सीख लो, किसी से सीख लो, अपने आप सीख लो, उसके बाद कोई क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। फिर आपकी जॉब, आपका सपना, कोई भी चीज हो, उसके आगे कोई आ ही नहीं सकता। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? चलो ओके, अब आपके पास ना, व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स इन द सैंपल, द एवरेज एटॉमिक मास। देखो ये क्वेश्चन है एवरेज एटॉमिक मास का, ठीक है, ये क्वेश्चन है एवरेज एटॉमिक मास का। हालांकि केवीएस पीआरटी में डायरेक्टली ये मेंशन नहीं कर रखा कि एवरेज एटॉमिक मास करना है कि नहीं करना है, लेकिन चैप्टर कंटेंट मैटर कर रखा है, मेंशन कर रखा है। लेकिन टीजीटी पोस्ट के लिए, टीजीटी पोस्ट के लिए कोई सा भी हो, चाहे केवीएस हो, एनवीएस हो, कोई सा भी हो, उसमें तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो अब मैं आपको ये क्वेश्चन कराता हूं, तो देखना। तो अब सबसे पहली बात आती है एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक, मैं कह रहा हूं अगर आपने अच्छे से सीख लिया, अगर आपने अच्छे से सीख लिया, आपको इसके बाद ये टॉपिक कहीं से नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको बस इसके डायरेक्टली क्वेश्चन करने पड़ेंगे, चाहे कहीं से भी करो। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? आपको बस इसके क्वेश्चन करने पड़ेंगे, चाहे कहीं से भी करो, आपको और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। ठीक, ओके, सुनना। तो देखो अब एवरेज एटॉमिक मास की बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे कार्बन की बात करते हैं, 6 12 6 13 6 14, कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, लेकिन जब भी हम यूज करते हैं तो हम लिखते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक मास 12 है। तो आप सब में से कोई मुझे बता सकता है कि हमने ये 12 वाला ही क्यों यूज किया, 13 वाला क्यों नहीं यूज किया, 14 वाला क्यों नहीं यूज किया? तो एक्चुअल सच्चाई सिर्फ और सिर्फ यही है कि हमने 12 वाला इस्तेमाल करा ही नहीं है, हमने 12 वाला इस्तेमाल करा ही नहीं है, हमने इन तीनों का एवरेज निकाला, इन तीनों का एवरेज निकाला और वो एवरेज मास आ गया 12। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? हम तीनों ने इनका एवरेज निकाला और वो एवरेज मास आ गया 12। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं?
हम तीनों ने इनका एवरेज निकाला और वो एवरेज मास आ गया 12, वो यूज कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में आया कि एवरेज एटॉमिक मास कब यूज करना है, एवरेज एटॉमिक मास कब यूज करना है, तो इसकी कहानी सुन लो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं सुनना। सिंपल सा लॉजिक है क्या कि मान लो अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपके 12th में कितने परसेंटेज है, आपके 10th में कितने परसेंटेज है, आपने कहा सर 80%, किसी ने कहा 70, किसी ने 90, तो क्या 80% का मतलब ये है कि आपके हर सब्जेक्ट में 18 मार्क्स थे? नहीं, आपके हो सकता है किसी में ज्यादा हो, किसी में कम हो। तो आपने मुझे क्या बताया? एवरेज। और याद रखना, एवरेज का कंसेप्ट ही जब ही आता है जब डाटा में वेरिएशन हो। वेरिएशन का मतलब है हर नंबर एक जैसे ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर ये ग्राफ इस तरीके से जा रहा है तो मैं इसकी एक एवरेज वैल्यू निकालूंगा। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे डिफाइन करना मुश्किल होगा, तो मैं एक एवरेज वैल्यू निकाल के डिफाइन कर दूंगा कि ये इसकी एवरेज वैल्यू। इसी तरीके से आइसोटोप्स के केस में, याद रखना, आइसोटोप्स के केस में इनके पास डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक मासेस होते हैं, तो हर एटॉमिक मासेस को रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए इन डिफरेंट एटॉमिक मासेस का हम एवरेज निकालते हैं और वही होता है एवरेज एटॉमिक मास। अब ये 2 या 3 मिनट जिसने सुन लिया ना तो उसे कभी गूगल करना पड़ेगा, ना ही कभी उसे एनसीईआरटी खोलनी पड़ेगी, और ना ही कभी कोई किताब खोलनी पड़ेगी। बस वो जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करेगा। लेकिन ये करोगे नहीं, फिर गूगल में टाइप करोगे, यूट्यूब में टाइप करोगे, कर लो, हमारा थोड़ा ना घर से कुछ जाएगा, सालों साल फेलियर रह जाओगे, ठीक है ना। अब ये निकालते कैसे हैं, अब ये भी समझना है, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं इसी एग्जांपल को लेता हूं, 6 12, 6 13, 6 14, ये 3 आइसोटोप्स हैं। मान लो ये एक्स परसेंटेज मिल रहा है, ये वाई परसेंटेज मिल रहा है, ये जेड परसेंटेज मिल रहा है, मतलब इनका जो परसेंटेज है, परसेंटेज मतलब नेचर में कितने रेशो में मिल रहा है, होता है ना। मान लो आप एक कंपनी खोल रहे हो, आपके और आपके दोस्त, आपने मिलाया 80%, उसने मिलाया 20%, ये कॉन्ट्रीब्यूशन है आप दोनों का। इसी तरीके से नेचर में कार्बन 3 फॉर्म में मिल रहा है, 6 12, 6 13, 6 14, उसमें से इनका एबंडेंस, एबंडेंस मतलब कितनी मात्रा में मिल रहा है। मान लिया 6 12 x% मिल रहा है, 6 13 y% मिल रहा है, और 6 13 z% मिल रहा है। और साथ ही साथ ये कंपलसरी होगा कि तीनों का परसेंटेज का सम कितना होगा, 100, क्योंकि टोटल परसेंटेज 100 होती है। समझ आ रहा है ना ये बात? चलो अब एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालना है सीख लो। इनके मास को इनकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है, मास को इनकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है। 14 गुणा x परसेंटेज प्लस 12 गुणा z परसेंटेज, ये सॉल्व कर दोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी एवरेज एटॉमिक मास। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? एवरेज एटॉमिक मास निकालने का सिंपल लॉजिक है। क्या लॉजिक है? कि उनके मासेस को मल्टीप्लाई करना है आपने किसके साथ, उनके एटॉमिक मासेस, सॉरी उनकी अबंडेंस के साथ, उनके मासेस को मल्टीप्लाई करना उनकी अबंडेंस के साथ, और फाइनली आपको जो मिल जाएगा डाटा, दैट डाटा इज कॉल्ड एवरेज एटॉमिक मास। ये कॉन्सेप्ट समझ आया? 3 या 4 मिनट की वीडियो हो गई इस टॉपिक पे। अब उस पर बेस्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चन कराता हूं, बहुत ही सावधानी से देखना और मजा पूरा आएगा, ओपन चैलेंज है, ठीक है ना। उसने कहा एक्स के 2 आइसोटोप है, एक्स 8 16 और 8 18, इनका जो एवरेज एटॉमिक मास है वो 16 22 है, 16.2, ठीक है ना। अब सुनना, मान लिया ये एक्स एक्स और वाई, एक्स यहां पे है तो मान लिया ये वाई परसेंटेज है, तो ये कितना परसेंट मिलता होगा, 100 माइनस वाई, क्लियर है, क्योंकि टोटल परसेंटेज होती है 100। तो आप क्या करेंगे, मास को मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज से, मास को मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज से, यानी कि 16 को मल्टीप्लाई करेंगे वाई बाय 100 से, प्लस 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 माइनस वाई बाय 100 से, और ये टोटल किसके इक्वल आएगा, 16.2 के। तो एलसीएम आ जाएगा 100, एलसीएम आ जाएगा 100, 100 को उधर भेजोगे तो 16y प्लस 1800 माइनस 18y इक्वल टू 1620, तो कितना हो जाएगा, -2y प्लस 1800 इक्वल टू 1620, तो -2y इक्वल टू 1620 माइनस 1800, तो -2y इक्वल टू माइनस कितना आ जाएगा, 180, क्लियर है, 180, 80 70 हो गया ना, तो y बराबर 90%। तो y अगर 90% है, अगर यानी कि ये 90% मिल रहा है, तो ये कितना मिलेगा, 10%, दिस इज अवर आंसर। 80 आना चाहिए था, 2 160 है ना, 160 18 1802, सही है, चलो ठीक है, समझ आ गया, क्लियर है। चलो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10th देखो, क्वेश्चन नंबर 10th, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूं, मुझसे करो किसी से करो, करना यही है, और एक बार अच्छे से कर लो, फिर आपको ना तो इसके लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे और ना ही दाएं बाएं भागना पड़ेगा। और आप ऐसा नहीं करते हो तो जिंदगी भर भागते रहोगे, लट्टू की तरह घूमते रहोगे,
जो आपको घुमाना चाहेगा घूमोगे, पैसे खर्च करोगे और फिर फाइनली फ्रस्ट्रेटेड लाइफ जियोगे, ठीक है ना। अब वो कह रहा है ब्रोमीन का जो है 3579, इसकी परसेंटेज है 49.7%, और ब्रोमीन का जो है 3581, इसकी परसेंटेज है 50.3%, ठीक है ना। एवरेज एटॉमिक मास पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना, परसेंटेज को मास से मल्टीप्लाई, परसेंटेज को मास से मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 70 मल्टीप्लाई 49.7 बाय 100 प्लस 81 मल्टीप्लाई 50 सॉरी मल्टीप्लाई 50.3 बाय 100, और इसे सॉल्व करोगे देन यू विल गेट एवरेज एटॉमिक मास। क्लियर है बात? अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो अब आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो बहुत प्यार दिखाएं, बहुत सब्सक्राइब करें, बहुत शेयर करें, क्योंकि ये सब मैं आपके लिए कर रहा हूं। ये एक रिवोल्यूशन बन सकता है, कि एक नई पहल हो सकती है कि फ्री में सब कुछ कराया जाए, लेकिन वो जब ही होगा जब आप सपोर्ट करेंगे।